नागपुर में ट्रक के टायर चोरों के गिरोह का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू NNTV। मैं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त। एक बहुत ही न्यूज़ आपके लिए काम की है, क्योंकि अगर आपका भी गाड़ी का टायर चोरी हुआ है तो आप नियर बाय कपिल नगर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, क्योंकि जरीपटका थाने में अभी ये गाड़ी है और ये गाड़ी ट्रांसफ़र होकर जाएगी अभी कपिल नगर पुलिस स्टेशन, और उसके बाद हम आपको CCTV फुटेज दिखाएंगे इसी गाड़ी का कि ये गाड़ी घरों घर रेकिंग करती थी और उसके बाद जहां इनको ट्रक खड़ा हुआ दिखता था, मौका देखकर ट्रक का टायर चुरा कर इस गाड़ी में लाद कर इसे लेके फरार हो जाया किया जाता था। ये देखिए, ये CCTV फुटेज NNTV के हाथ लगे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वही गाड़ी है जो गाड़ी अभी आपने पुलिस स्टेशन में खड़ी देखी। ये गाड़ी नागपुर शहर में अलग अलग जगह घूमती है और जहां मौका मिले इस गाड़ी में चोरी के टायर लाद कर तुरंत इसे लेके जाया जाता है, और जहां ये चोरी के टायर रखे जाते हैं उसकी हम एक न्यूज़ अलग से बना रहे हैं। उसका हमने फेसबुक पर लाइव भी किया था। अभी वहां से भी पूरे टायर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कपिल नगर। सबसे बड़ी बात, पुलिस की भूमिका पर भी इसमें सवाल उठ रहे हैं। कपिल नगर पुलिस वाले लगातार इस वीडियो को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, लेकिन हमने कानून उन्हें बताया और हमने उन्हें कहा कि जिस तरह से आप पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं उसी तरह से NNTV अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेहरबानी करके आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। उसके बाद कहीं जाके उन्होंने हमें वीडियो बनाने दिया। लेकिन एक ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्यों पुलिस इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। कुछ पुलिस वालों के हम नाम भी आपको बताएंगे आगे की न्यूज़ में कि कौन है वो पुलिस वाले और क्या उनका इन टायर चोरों से कहीं सीधा संबंध तो नहीं है, क्या इन टायर चोरों से उन पुलिस वालों को किसी किस्म की हफ्ता वसूली पहुंचती थी। ये विषय हम नागपुर पुलिस कमिश्नर के सामने भी उठाने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी हम नागपुर के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से ये अपील करेंगे कि आप इस मामले पर एक SIT बिठाएं या इसकी खुफिया जांच कराई जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला सामने नज़र आ रहा है कि बूटी बोरी से कलमना, कलमना से कलमेश्वर तक जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि टायर चोरी का माल पकड़ा गया है, लोग जरीपटका पुलिस स्टेशन और कपिल नगर पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारे टायर नहीं हैं। लेकिन तो इससे ये साबित होता है कि पूरे नागपुर शहर में और उसके अतराफ में ये एक चोरी का बहुत बड़ा मामला नज़र आ रहा है। तो इस पर महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस विभाग को बहुत ही गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और ये एक बहुत बड़ा रैकेट फ्यूचर में हो सकता है कि सामने आए कि टायर चोरी का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी हो सकता है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आपका या किसी और का टायर हो तो वो जाके पुलिस स्टेशन से हासिल कर सके।